दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जवान के 38वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों किंग खान की फिल्म जवान के कलेक्शन अब भी कम नहीं हुए हैं। फ्राइडे को 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे था और इस दिन सभी फिल्मों के प्राइस कम कर दिए गए थे। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 250 करोड़ 87 लाख कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 346 करोड़ 52 लाख का, दूसरे हफ्ते में 124 करोड़ 50 लाख का, तीसरे हफ्ते में 51 करोड़ 26 लाख का, चौथे हफ्ते में 34 करोड़ 16 लाख का, अपने पांचवे हफ्ते में 9 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 37वें दिन यानी शुक्रवार के दिन में लगभग 3 करोड़ 82 लाख का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म के 37 दिनों का टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 569 करोड़ 78 लाख हो चुके हैं। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 74 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 284 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 389 करोड़ 73 लाख का, दूसरे हफ्ते में 135 करोड़ 98 लाख का, तीसरे हफ्ते में 55 करोड़ 9 लाख का, चौथे हफ्ते में 35 करोड़ 19 लाख का और अपने पांचवे हफ्ते में 9 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने नेशनल सिनेमा डे के दिन बड़ा जंप दिखाया और फिल्म ने अपने 37वें दिन में लगभग 3 करोड़ 88 लाख का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 37 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 629 करोड़ 62 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 755 करोड़ 20 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 381 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 37 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1136 करोड़ 20 लाख हो चुका है। RRR ने फर्स्ट रन में वर्ल्ड वाइड में लगभग 1152 करोड़ का कलेक्शन किया था। अभी जवान RRR से लगभग 16 करोड़ पीछे है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जवान RRR के फर्स्ट रन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वही बात करें इस फिल्म के 38वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 38वें दिन में इंडिया में लगभग 2 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का थिएटरिकल बजट तकरीबन 170 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले। दोस्तों पठान के कलेक्शन देखकर अनभक्तों की नींद उड़ गई थी। अनभक्त बॉयकॉट करते करते खुद बॉयकॉट हो गए थे और अब जवान के कलेक्शन देखकर ये लोग पता नहीं कहां जाकर छुप गए क्योंकि अब कहीं भी बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चलता है। ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड अब सब जगह से बंद हो चुका है, वरना आए दिन कुछ ना कुछ बॉयकॉट करते रहते थे ये लोग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।